एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो ईसीएस टीटन बल्गेरिया का आज के दिन का मैच नंबर तीसरा होगा जो खेला जाएगा इंडो बल्गेरियन वर्सेस बीटीयू एमयू प्लेवन के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, ये जो वीडियो है आपको अंत तक पूरा वॉच करना है। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम और न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में भी सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। ये मुकाबला 3 बजे स्टार्ट होगा, सेम ग्राउंड पर मैच है, आर्टिफिशियल विकेट है, 11 मुकाबले हो चुके हैं, 5 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 6 मैचेज हुआ है। पहले बात करेंगे प्लेवन की टीम की, प्लेवन की टीम ने 4 मैचेस खेले हैं और चारों के चारों मैच हारी हैं। ओपन करेंगे जेगम भट्ट और अपूर्व मिश्रा। जेगम भट्ट की बात करूँ तो 23-22-1-4, मतलब पहले 2 मैच में अच्छा किया, लास्ट के 2 मैच उतने खास नहीं रहे थे। अपूर्व मिश्रा सिर्फ लास्ट मैच खेला जहां पर 15 रन किए, 1 ओवर डाला, हालांकि विकेट लेस रहा, लेकिन अपूर्व मिश्रा एक अच्छा प्लेयर है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। 13 T10 में इसके नाम 82 रन और 5 विकेट है 22 ओवर डाल के। मोहम्मद अरहम है, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें कर सकता है, 4 मैच में 1 विकेट है और बल्ले से यहाँ पर 6-6-23-3 है। जसीम रहीमी, पहले 3 मैच में इसने 4 ओवर डाले थे लेकिन विकेट कोई नहीं था, 1 विकेट था सॉरी, और बल्ले से यहाँ पर 7-0-0-8 है। रिफत हुसैन, ये लगातार 2-2 ओवर डालने वाला बॉलर है, लास्ट के 4 मैच में इसके नाम अगर आप देखो तो 2 विकेट और बल्ले से यहाँ पर 8-17-7-9 है, मतलब बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूट है। एलन जोज, पहले 2 मैच में अच्छा किया, 21-14, लेकिन बैटिंग नीचे कर रहा है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुवेद 5-4-4, उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। रबीबी उर रहमान 11, फिर 2 मैच खिलानी, फिर 5 नॉट आउट हैं। अमल थॉमस, इसने हर मैच में 2 ओवर पूरे डाले हैं, विकेट हालांकि इसको सिर्फ 1 मैच में मिले 3, उसके अलावा ज़्यादा विकेट नहीं मिले हैं। जिनोय राजू हैं, इसने यहाँ पर 4 मैच खेले उसमें विकेट 1 है, बॉलिंग लगभग करवाई है हर मैच में। अर्जुन जोय के नाम 4 मैचेस में 4 विकेट्स हैं। तो यहाँ से देखो, इनकी जो टीम है ना उतनी ज़्यादा सॉलिड टीम है नहीं, तो इनके मैं ज़्यादा प्लेयर रखूँगा भी नहीं। मैं रखूँगा जेगम भट्ट, अपूर्व मिश्रा, मोहम्मद अरहम, रिफत हुसैन और नीचे से यहाँ पर अर्जुन जॉय, अमल थॉमस दोनों को, या फिर दोनों में से एक को भी रख सकता हूँ। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेलें उसके स्टैट्स आपको शेयर कर दूंगा। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे अपूर्व मिश्रा, रिफत हुसैन, मोहम्मद अरहम, डेथ में आएंगे जय राजू, ए जॉय, रिफत हुसैन। इंडो बल्गेरियन की टीम का जो पहला मुकाबला है वो 1 बजे स्टार्ट हो गया है और उस मैच से भी अपन को बहुत कुछ आइडिया इनके बारे में लग जाएगा कि इनकी टीम में देखो थोड़े से बॉलिंग के ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो कौन कौन से ऐसे बॉलर हैं जो 2 ओवर डालेंगे, ये सब चीज़ें अपन को पता चल जाएगी पहला मैच जब ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद में। तो अभी के लिए देखो यहाँ से बख्तियार ताहिर और प्रकाश मिश्रा एज अ ओपनर मेंशन है और ये दोनों ही मेरे हिसाब से ओपन करने चाहिए। बख्तियार ताहिर के नाम 21 T10 में 652 रन, 21 विकेट है, 37 ओवर डाल के बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। प्रकाश मिश्रा 37 मैच में 735, 32 विकेट है, इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। एड्रियन डनबर हैं, अब देखो इंटरनेशनल T20 में 17 मैच में 599 रन है, तो बहुत अच्छे लेवल का प्लेयर है। सफ़कत खान की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसके नाम अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर देख सकते हो 29 मैच में 211 है ओवरऑल, और यूं जो 29 T10 में 40 है, तो इसका मेन काम सिर्फ विकेट कीपिंग है, बाकी कुछ खास ये करता ज़्यादा नहीं है। रोहित धीमन की बात करूँ तो ये बॉलिंग करवाने के चांस रखते हैं, पूरे 2 ओवर डालना चाहिए, 27 मैच में 147, 19 विकेट है इसके नाम और 2023 में 4 मैच में 1 विकेट है। गगनदीप सिंह एक और बॉलर, 37 मैच में 23 विकेट है, 54 ओवर डाल के, 2023 में 4 मैच में 0 विकेट है। यहाँ से निकोलिया ननको भी पहला मैच खेल रहा है, इसके नाम 18 T10 में 7 विकेट 18 ओवर डाल के, जबकि 2022 के अंदर इसने 6 मैच में सिर्फ 1 ओवर डाला था, तो ज़्यादा बॉलिंग इसको मिलती नहीं है। रोहित सिंह के नाम 23 मैच में 5 विकेट है, इसको भी बॉलिंग थोड़ी कमी मिलती है, 2022 में 7 मैच में 0 विकेट है। अर्जुन धीमन है और यहाँ पर 2 मैच में 1 विकेट है, ओवरऑल 15 मैच में 8 विकेट है। प्रशांत वर्मा है, खास रिकॉर्ड नहीं है उतना। साहिल कुमार के नाम 2 T20 में 2 विकेट है। तो आप देखो इनके ना जो मेन बॉलर है ना वो खेल नहीं रहे और जो खेल रहे हैं वो सब लगभग थोड़ी बहुत बॉलिंग करवाते हैं, तो ये आइडिया अपन को पहला मैच होने के बाद ही लगेगा कि भाई कौन से ऐसे बॉलर जो ज़्यादा बॉलिंग करवाएंगे। अभी के लिए आप पिक कर लेना बख्तियार ताहिर, प्रकाश मिश्रा, अद्रियन दनबर, नीचे से यहाँ पर चलें, यहाँ से गगनदीप सिंह, रोहित धीमन, और नीचे से रोहित सिंह को मैं अभी नहीं रखूँगा। बाकी बेंच पर जो प्लेयर हैं अगर इनमें से कोई भी दूसरे मैच में खेलता है तो उसके स्टैट्स आपको शेयर कर दूंगा। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ।
डेमो टीम की बात करूं उससे पहले आपको बता दूं कि भाई ये सिर्फ डेमो टीम रहती है। जैसे कि पहला मैच था उसकी फाइनल टीम मैंने आपको टेलीग्राम चैनल दी थी और वो टीम लगभग मिनी ग्रैंड लीग तक वोन हुई थी, क्योंकि उमर फारूक को कोई नहीं लेके आया, पी आचार्य को कोई लेके नहीं आया, तो बहुत अच्छी टीम थी और सीबीसी भी अपने बेस्ट थे। तो उसी प्रकार की कुछ इस मैच में भी आपके लिए कोशिश रहेगी। बस आपको करना क्या है कि फाइनल अपडेट और बैटिंग ऑर्डर वगैरह सब मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का आपका कोई पैसा नहीं लगता। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है एक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में दिया है, तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बात करें यहाँ पर टीम की, तो यहाँ पर मैंने रखा है जेड भट्ट को विकेट कीपिंग सेक्शन से, बी ताहिर और ए दनबर को रखा है बैटिंग सेक्शन से, ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने यहाँ पर टीम में पिक किया हुआ है प्रकाश मिश्रा, गगनदीप सिंह, रोहित सिंह, अपूर्व मिश्रा, रोहित धीमन, रिफत हुसैन, मोहम्मद आराम और ए जॉय। कैप्टन मेरे यहाँ से बी ताहिर है अभी के लिए, वाइस कैप्टन पी मिश्रा है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।